बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। दो दिनों में दो अर्जियों पर सुनवाई के बाद अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले अदालत ने ईडी से वो फाइलें मांगी थी जिनकी बिना पर ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी की उन फाइलों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका। इस केस में ईडी के समन को लेकर दायर एक और अर्जी पर 22 अप्रैल को ईडी को अब जवाब दाखिल करना होगा। इस लिहाज से ईडी के समन मामले में अभी केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई राहत नहीं। ऊपरी अदालत का दरवाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से खटखटाया जाएगा। आज की सुनवाई में ईडी ने अदालत में बार बार ये कहा कि पता नहीं सीएम केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद क्यों कर रहे हैं। ईडी उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए समन भेज रहा है, लेकिन केजरीवाल के वकील ने कहा है कि पहले भी अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईडी केजरीवाल को फिर से 10वां समन भेजने वाली है? क्या अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है? और क्या केजरीवाल के खिलाफ एक्शन चुनावी सीजन की सियासत भर है? तो क्या सीएम केजरीवाल बच जाएंगे? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अरविंद केजरीवाल दो दिन से दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट पर हैं। केजरीवाल तमाम सवाल लेकर अदालत पहुंचे थे। कल कहा था कि ईडी में पेश होने से नहीं गिरफ्तारी से डर लगता है। आज फिर अदालत में नई अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि समन पर समन भेज रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ईडी ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं बल्कि पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा किस हैसियत से बुला रहे हैं बताते नहीं। ईडी के वकील ने कहा पहले केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। केजरीवाल के वकील ने कहा ईडी गिरफ्तार ही करना चाहती है। ईडी के वकील कह रहे हैं कि गिरफ्तार तो अभी भी कर सकते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सबूत होंगे तब तो गिरफ्तार करेंगे। ईडी के वकील कहते हैं केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। तो अदालत ने पूछ लिया, अगर ईडी केजरीवाल को सबूत नहीं बताना चाहती तो कम से कम अदालत को ही बता दे। ईडी ने अदालत को सबूत पेश करने का दावा कर दिया। देश की विभिन्न कचहरियां बार बार ये बोल रही हैं कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ। इससे पहले केजरीवाल की ओर से अदालत में बार बार यही कहा जाता रहा कि ईडी के समन सिर्फ चुनावी समन है और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की एक चाल है। हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मलॉर्ड मैं हर सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि इनकी मंशा मुझे चुनावों में प्रचार करने से रोकने की है। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके। बार बार संबंध सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में अभी तक की जांच में जो तथ्य और सबूत सामने आए हैं उनके बिना पर ही जांच एजेंसियों ने तमाम कार्रवाई की है और गिरफ्तार आरोपियों को जमानत तक नहीं मिल रही है। मुझे हैरानी इस बात की है कि कल ही माननीय न्यायालय ने उनको स्पष्ट किया था कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए, और जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जिस तरह से भाग रहे हैं तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदार नहीं कायर केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को पूरी आशंका है कि पूछताछ के लिए हाजिर होने पर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पिछले हफ्ते साउथ लॉबी से बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दावा किया था कि तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी शराब घोटाले में हुई साजिश में शामिल है। ईडी ने कहा था कि निजी लाभ के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे और साजिशन शराब कारोबारियों के जरिए ही आम आदमी पार्टी तक पैसा पहुंचाया गया था। ईडी ने ये भी कहा कि शराब नीति के लिए साउथ लॉबी की ओर से एडवांस में करोड़ों रुपए दिए गए और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर रिश्वत की वसूली की साजिश रची गई।
ईडी के इन आरोपों का आधार पहले पकड़े गए आरोपियों के इकबालिया बयान से लेकर कई अन्य सबूत भी हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर कि अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे दिल्ली के सीएम, संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय, सीधे आपके पास आते हुए, राहत नहीं मिली, आगे क्या करेगी आम आदमी पार्टी? इसमें आगे तो दो ही विकल्प बचते हैं, या तो केजरीवाल चक्रव्यूह में घुस जाएं अपने हथियार और उनके साथ, यानी अपने जवाब के साथ, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं और सुप्रीम कोर्ट में आकर ये बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में यहाँ यहाँ ये खामियां हैं, हमें पूरी तरह से सुना नहीं गया और हमें सुप्रीम कोर्ट इसमें सुने। तो इसमें से दो चीजें होंगी, या तो होली की छुट्टियों के दौरान कोर्ट उनके मामले की सुनवाई करेगा, या फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल कौन सा विकल्प तलाशते हैं। मुझे दूसरे विकल्प पर जाने की उम्मीद ज्यादा लगती है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। उनकी सारी दलीलें आयोग कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन आप देखें कि जब तक कोर्ट ने फाइलें नहीं देखी थी तब तक कोर्ट के रवैये से लग रहा था कि हो सकता है कोर्ट एक बीच का रास्ता निकाल ले, लेकिन फाइलें देखने के बाद कोर्ट का रुख बिल्कुल ही बदल गया और कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप समंदर समन भेज रहे हैं, आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। ईडी ने कहा कि हमारा मकसद गिरफ्तार करना नहीं, हम तो इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। पता नहीं इनको किन लोगों ने सनका दिया या ये कह दिया कि आपको गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हैं, जबकि हम तो पूछताछ के लिए बुला रहे हैं और हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो पूछताछ के लिए ही है। तो पूछताछ के लिए बोला, कोर्ट ने केजरीवाल से तब कहा कि आप जाते क्यों नहीं है पूछताछ के लिए, आपको पता तो चले कि आखिर किस बारे में ईडी आपसे सवाल करना चाहती है, जानना चाहती है। इन्होंने कहा कि नहीं, सवाल वाल कुछ नहीं, ये तो सिर्फ हमें गिरफ्तार करने के लिए बुलाना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में सिर्फ ईडी को यह कहा कि ईडी 22 अप्रैल से पहले, जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी उससे पहले ईडी इनकी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करे। दो याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के पास हैं। पहली याचिका है कि समन को रद्द किया जाए, समन असंवैधानिक है, और आज सुबह उन्होंने गिरफ्तारी से अभयदान मांगते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की। आम लोगों की जानकारी के लिए संजय, आपने कहा कि 22 अप्रैल को उपस्थित हो सके, अब ईडी को 22 अप्रैल तक का वक्त मिल गया है, इस दौरान अरविंद केजरीवाल से ईडी क्या पूछताछ के लिए समन भेजेगी या 22 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा? आम लोगों की समझ के लिए आप बताएं इस सवाल का क्या है जवाब। इसमें चित्रा, कोर्ट ने ईडी को समन भेजने से मना नहीं किया, पिछले समन पर कोई रोक नहीं लगाई, समन पर आगे आने वाली कार्रवाइयों पर भी रोक नहीं लगाई है। आज का समन तो 21 तारीख तक का था, 21 तारीख तक का तक अदालत में वो पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में अब अगला समन भेजने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, ईडी समन भेज सकती है। अब केजरीवाल को देखना है कि वो 10वें समन पर भी हाजिर होते हैं या फिर उससे पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते ही केजरीवाल के पास एक बड़ी ढाल, एक बड़ा बहाना होगा, एक बड़ी दलील होगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये अपील पेंडिंग है, जब तक हमारी एसएलपी का सुप्रीम कोर्ट में निपटारा नहीं हो जाता तब तक हम ये मानेंगे कि आपकी जो समन है, आपके समन है वो गैर कानूनी है, प्रक्रिया का उल्लंघन है, चुनावी समन इसको बताया जा रहा है। संजय, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। और उसकी एक लिखित कंप्लेंट उन्होंने थाने में दर्ज की, मैं वो संक्षिप्त में पढ़कर सुना देता हूं। मैं डॉक्टर सो एंड सो, मदर ऑफ सो एंड सो, एफआईआर नंबर सो एंड सो, 22 फरवरी 2024, श्रीमान आपको प्रार्थना पत्र के माध्यम से ये जानकारी देना चाहती हूं कि श्री ईश्वर चंद, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती नीता वर्धन एवं अन्य सदस्य आज 2 मार्च 2024 समय 12 बजे के आसपास ऑफिस में बुलाने पर गई, साथ में मेरी बहन और उसके हस्बैंड भी थे। ईश्वर चंद के ऑफिस में बातचीत के दौरान काफी उत्तेजित, एग्रेसिव व अव्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया जो मेरे लिए असहज रहा, और साथ ही साथ बिटिया को अन्य केस में फंसाने और साथ ही साथ बिटिया को अन्य केस में फंसाने की धमकी दी। यानी कि जब
छात्राओं ने FIR लॉन्च की तो जो कल्प्रिट है उन्होंने मां को बुलाकर यह धमकाया कि